Hey guys, what's up? Share, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे. सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो. सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपके लिए लाए हूँ दो कॉन्सेप्ट. सो पहला कॉन्सेप्ट जो होगा वो होगा डार्क एंड दूसरा होगा लाइट. सो डार्क एंड ग्लोइंग इफेक्ट को मिक्स करके बनाई ये वाली पिक्चर. पहले आपको बताऊँगा कैसे आप ये वाली पिक्चर बना सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में बिल्कुल HD क्वालिटी में पिक्सार्ट एंड लाइटरूम की मदद से. तो वीडियो को देखते रहिए पूरा. अगर वीडियो अच्छी देखने लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा. इसी तरह की चीज़ी वीडियोज आती रहती हैं. सो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू. सो ये बैकग्राउंड आपका होगा कुछ इस तरह का. सो सिंपली आपने यहाँ पे बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है एंड यहाँ से आपने इसमें ऐड कर लेनी है अपनी पिक्चर को. सो पिक्चर का साइज़ आपने सेट कर लेना है. सो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ कुछ इस तरह की पिक्चर. सो पिक्चर सेट कर लेने के बाद गाइस आपने इसमें एक एक करके ऐड कर देनी है अपनी PNGs को. इसमें सब PNGs के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं. सो फर्स्ट PNG जो आपने ऐड करनी है वो होगी ये वाली. सो इस PNG की आपने ओपेसिटी कर देनी है कम. देन गाइस आपने ऐड कर देनी ये वाली PNG. एंड इस PNG को रखना अपनी अपनी पिक्चर के नीचे. देन गाइस आपने यहाँ पे लेना है एक एम्प्टी लेयर. उस एम्प्टी लेयर में आपने यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेना है ये वाला. एंड यहाँ से आपने ब्रश सेट करके उसकी ओपेसिटी कर देनी है 26. एंड यहाँ पे आपने एक राउंड सा बना लेना है इस तरह. एंड गाइस देन आपने उसका साइज कर देना है बड़ा इस तरह से. सो गाइस इस तरह साइज बड़ा करके आपने इसके ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देना है. एंड कम करने के बाद आपकी पिक्चर लगेगी कुछ इस तरह. अगर लास्ट में आपने इसमें ऐड कर देनी है एक और PNG. सो गाइस इस PNG को आपने यूज़ करना है डार्क इफेक्ट के लिए. एंड इसकी ओपेसिटी को भी आपने थोड़ा सा कर देना है ऊपर नीचे अपनी पिक्चर के अकॉर्डिंग. सो गाइस पिक्सार्ट में आपने इतना ही कर लेना है. इतना करने के बाद आपने इस पिक्चर को सेव करना है एंड ओपन कर देना अपने लाइटरूम ऐप में. सो गाइस इतनी पिक्चर तो पिक्सार्ट में आपकी रेडी हो जाएगी. देन गाइस आपने इसमें करनी है बेसिक सी एडिटिंग, जिससे कि इस पिक्चर में हम डालेंगे डार्क एंड ग्लोइंग इफेक्ट. सो सिंपली आपने जाना है लाइट्स वाले ऑप्शन है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को आपने माइनर से बढ़ा देना. यहाँ से कंट्रास्ट को आपने कर देना है 30-40 के बीच. देन गाइस हाईलाइट्स को आपने थोड़ा सा हाई कर देना है. एंड शेडो को आपने यहाँ पे -40 तक ले जाना है. वाइट्स को थोड़ा सा आप करके ब्लैक को भी आपने -50 तक ले जाना है. देन गाइस यहाँ से आपने जाना है मिक्स टूल में. एंड यहाँ से आपने अपने कलर्स वगैरह सेट कर लेने हैं. सो इसके बाद गाइस इस पिक्चर का जो टेम्परेचर होगा उसको आपने रखना है -1 पे. एंड वाइब्रेंस को आपने ले जाना है 40-50 के बीच. एंड सेचुरेशन को आपने रखना है 5-6. देन गाइस आपने यहाँ से ऐड कर देना है इसमें टेक्सचर. सो टेक्सचर जो आपने ऐड करना है वो आपने करना है 40-50. एंड -3 इसमें आपने ऐड करनी है क्लैरिटी. एंड विग्नेट आपने -10 तक रखना है. देन गाइस आपने इसमें ऐड कर देनी शार्पिंग. तो शार्पिंग जो होगी वो आपने 80+ रखनी है. एंड स्किन के लिए आपने ऐड कर देना है नॉइस डिटेक्शन. सो गाइस इतना करने के बाद अगर आपके भी हेड के पास
वाइट वाइट हो तो आपने सिंपली यहाँ पर सिलेक्टिव ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ से जो लाइट होगी उसको आपने माइनस पे ले जाना है। सो गाइस इतना करने के बाद आपकी पिक्चर बनेगी कुछ इस तरह से, बिल्कुल परफेक्ट लाइट एंड डार्क इफेक्ट। सो बिफोर पिक्चर जो पिक्सार्ट में बनी थी वो ये थी, बिल्कुल ही डल थी एंड आफ्टर लाइटरूम एडिटिंग करने के बाद आपकी पिक्चर बन जाएगी बिल्कुल इस तरह से ब्लैक एंड ब्लैक। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह की चीज़ें वीडियोज आती रहती हैं, तो मिलते हैं और अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।